हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक पे जो आईडी अभी मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि अपडेट टाइम पे नहीं जा रही, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला था ठीक है, मैं फ्री होके इस पे वीडियो देखता हूँ, बनाता हूँ एक बारी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटली समझाऊंगा कि अपना फेसबुक आईडी को अपडेट नेम पे कैसे भेजें। बिल्कुल ही जो ओल्ड तरीका है मैं उसी से अभी ट्राई करूंगा, अगर नहीं होता है उससे तो मैं आपको न्यू तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये है एक मेरे पास प्रकाश कुमार नाम की आईडी, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको प्रूफ नाम से चेंज कर दिया, ठीक है। इसका नेम भी मेरा प्रूफ वाला है और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको दिखा दूँ, ये डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ वाला है, ठीक है। 5 जुलाई 1974, ठीक है, ये मेरे पास प्रूफ था। तो मैंने नाम भी चेंज कर दिया है प्रूफ के हिसाब से और डेट ऑफ बर्थ भी है चेंज प्रूफ के हिसाब से, ठीक है गाइस। और इस आईडी को मैं अभी आपके सामने अपडेट नेम पे भेज कर दिखाऊंगा कि कैसे जाती है। तो हमें सेटिंग में जाना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे नेम वाले ऑप्शन पे जाना है। और आपको पता है कि अगर आपके यहाँ पे नेम चेंजिंग अवेलेबल आ रहा है तो आप उसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यूज़ दिस फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है गाइस। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे उसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन होगा कि यहाँ पे आपका नाम वाम जो भी है वो लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपके प्रूफ का जो भी नाम है ना, वही यहाँ पे नाम डालिए, जैसे कि प्रकाश कुमार मैं डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे ओनली लास्ट में लगा देना एम डॉट, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिख देना, ठीक है आपको। तो यहाँ पे मैं सारा वर्ड बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे प्रकाश, और यहाँ पे पी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुमार में भी हम सेम ही करेंगे, कुमार में सब चीज़ बड़ा, उसके बाद के छोटा, पहला वर्ड जो है ना वो हमें छोटा करना है, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल ट्रिक्स है जो कि हमने इससे पहले भी वीडियो में डाल रखी है अपने चैनल पे और बता रखा है आप लोगों को, बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर और मेरे दोस्त जो है वो बोल रहे थे कि अपडेट नेम पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं डन कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा पूरा फुल मेथड, और देखते हैं कितना देर में ये आईडी हमारी रिजेक्ट होती है या फिर नेम अपडेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको रीज़न फॉर चेंज पे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नाम, और यहाँ पे रीज़न फॉर चेंज में स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे आपको जो प्रूफ है आपका, जो भी प्रूफ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है आपके आईडी का जिस प्रूफ से, वहाँ पे ये प्रूफ सेलेक्ट करके और सेंड पे क्लिक कर देना, ठीक है गाइस। मैंने सारा चीज़ कर लिया है, प्रूफ भी चूज़ कर लिया, सेंड भी कर दिया हूँ अभी मैं। तो अभी देखते हैं ये कितना देर में होता है हमारा सेंड सबमिट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सेंड हो चुका है फेसबुक वाले को, कि हमारा फेसबुक का नाम हमने अप्रूवल डाला है, रिक्वेस्ट डाला है कि हमारा नाम चेंज कर दें, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप केस आईडी, और यहाँ पे सब चीज़ आप देख सकते हो ओपन है भी है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। सबसे पीछे आना है आपको और यहाँ पे जाके आपको नीचे में लॉग आउट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो अभी हम वेट करेंगे कि हमारा आईडी कितने देर में वेरी वो अपडेट नेम हो जाता है। 5:55 हो चुके हैं अभी टाइम, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे 5:57 हो गया है, मैंने जस्ट 2 मिनट के लिए ही वीडियो ऑफ किया था और हमारा नेम चेंजिंग का रिक्वेस्ट डन हो चुका है, जैसे कि हमारा नेम अपडेट नेम पे पहुंच चुका है, ठीक है सर गाइज। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमें मुझे मेल आ चुका है अभी जस्ट नाउ पे। तो अभी मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा और आईडी भी ओपन करके दिखाऊंगा कि हमारी आईडी कंफर्म नेम पे यानी कि अपडेट नेम पे गई है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो चुका है हमारा नेम, ये अपडेट नेम पे पहुँच चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये आता है, ये देखो, वी वुड लाइक टू हेल्प यू अपडेट द नेम ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है, ये रहा आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गैज़ ये इस आईडी पे जो है ना, यहाँ पे जो आएगा आपको, तो ये अगर वी वुड लाइक टू हेल्प यू अपडेट योर नेम, इसका मतलब आपका नेम 100% अपडेट नेम पे पहुँच चुका है, ठीक है गैज़। तो अभी हम इस मेल को कट करते हैं और आपको आईडी ओपन करके दिखाते हैं कि हमारा आईडी अपडेट नेम पे गया है या नहीं। तो हमारा यहाँ पे आईडी है सबसे फर्स्ट नंबर पे ही, तो गैज़ यहाँ पे देख लो, हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमारा नाम अपडेट नेम पे चला जा चुका है, प्रकाश कुमार, ठीक है। ये गैज़ आपको वीडियो इसलिए दिया कि आपको अगर कोई लॉन्ग नेम या इनवैलिड नेम बनाना हो तो आप पहले इनवैलिड नेम करेंगे, ठीक, यानी कि अपडेट नेम करेंगे उसके बाद एक्सेप्ट करवाएंगे। अगर आपको ऑफिशियल तरीके से आपका प्रूफ वाला नेम अपडेट करना है तो एम डॉट की जगह आप कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है गैज़। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।